रोहित शर्मा 2007 T20 के अलावा 9, 10, 12, 14, 16, 21, 22 सब में उन्होंने कुछ नहीं किया. अग्रीड, एब्सोल्युटली अग्रीड. एंड सागने कह रहे हैं रोहित वर्सेस लेफ्ट आर्म पेसर इन आईपीएल 2024 इनिंग्स डिसमिसल रन्स बॉल फेस्ड, मतलब इनिंग्स डिसमिसल आपकी 10 है, इनिंग्स 10 है, डिसमिसल 5 है, रन्स 85 है एंड बॉल्स फेस्ड 44 है. तो भाई पाकिस्तान वाले तो वैसे ही खुशी मना के बैठे हैं. आमिर को ले आई आमिर तो कोहली भी थोड़े से आउट हो जाते हैं आमिर से एंड रोहित शर्मा तो वैसे ही. फिर दूसरी तरफ शाहिद शाह अफरीदी है, नसीम उनके वैसे ही टैलेंटेड है. मुझे लग रहा है बड़ा मुश्किल होने वाला है ये मैच, स्पेशली इनके ये तीन जो बॉलर है ना, ये हमारे टॉप ऑर्डर को खाई ना जाए. यार रोहित के बस की नहीं है वो वाली बात, स्काई तो खेलता ही नहीं है पाकिस्तान के अगेंस्ट. स्काई की तो पतलूनी नहीं खुलती है कभी, इतनी टाइट हो जाती है पाकिस्तान के खिलाफ, वो चलता ही नहीं है. अब देखो मैंने तो पहले ही बोला था मोहम्मद आमिर को स्पेशली लेके आया जा रहा है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि वो वर्ल्ड कप नहीं देख रहे भाई, वो अपनी थूतू भी करवा लेंगे. हम फिक्सर को लेके आ रहे हैं लेकिन वो ये नहीं करवाना चाहते कि हम इंडिया से हार के आ जाए. उनको पता है विराट कोहली की एक विकेट निकालनी पड़ती है, बाकी सबको हम लेफ्ट आर्मर से पकड़ लेंगे. और नसीम शाह तो भाई इन स्विंग आउट स्विंग दोनों ही डालता है, उसको खेलना तो मुझे नहीं लगता इतना आसान है. तीन हो गए अब इनके खतरनाक, बच्चे दो, वो दो में आठ और वो कोई कौन से बॉलर होंगे उसमें, कितने रन बना लोगे आप? क्योंकि जैसा रोहित शर्मा का रवैया चल रहा है ना लेफ्ट आर्मर के सामने, शेक करती है उसकी लेग्स, ऐसे शेक करती है, मूवमेंट नहीं होती. आगे जाऊं पीछे जाऊं, खड़ा रहूं क्या करूं, आगे जाता हूं तो आऊं, पीछे हटता हूं तो आऊं, खड़ा रहता हूं तो आऊं, ऐसी प्रॉब्लम है भाई. सिंगल तक नहीं लिया जाता. मैं मानता हूं सबकी एक वीकनेस होती है, एक वीक पॉइंट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप लेकिन काम भी तो नहीं करता है ना. मैं अभी डीसी का कौन, खलील था, खलील क्या का एग्जैक्ट कल जो उसका डिसमिसल था, वो दोनों डिसमिसल्स हम साथ साथ में दिखा रहे थे. मोहसिन सेम, कल जो डिसमिसल था आई थिंक मोहसिन के साथ, मोहसिन एंड खलील सेम, एग्जैक्टली सेम बॉल थी, एग्जैक्टली सेम जगह फील्डर खड़ा था, वैसे ही वो आउट हो गया. काम ही नहीं करता भाई. तेरा काम फोटो खिंचाना है कि बर्थडे केक खाना है भाई, वर्ल्ड कप आ रहा है, तेरा लेफ्ट आर्म पेसर तू खेल नहीं सकता, कुछ तो करेगा ना बैठ के. अब ये चीज देख के रोहित शर्मा के फैंस बड़े गुस्से हो जाएंगे कि भाई आपको अपनी कैप्टन की रिस्पेक्ट नहीं है. अरे भाई कैप्टन है ठीक है, हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन जब तू टारगेट बना हुआ है एक लेफ्ट आर्म पेसर का, मतलब तू बनी बना हुआ है लेफ्ट आर्म पेसर का बनी है, तू फिर उस पर काम ही नहीं करता, अजीब सी बात है यार. फोकस तो ये रहता है कैमरे पे, कोई गार्डन में घूमेगा तो एनसी कर दो, बीसी कर दो, बार बार माइक के सामने जाकर के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं लोग अटेंशन के लिए. फिर कह देते नहीं मैं, मुझे फोकस गेम में था, मुझे पता नहीं. भाई सबको पता होता माइक कहाँ होता है. अगर यही इनको अपने परिवार के बारे में कुछ बोलना हो वहीं जाकर के बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना, सब पता होता है. ये सब पब्लिसिटी स्टंट है और इनको देख के सब करते हैं, फिर दूसरे देखते तो इनको जलन हो जाती है. हार्दिक ने कहां से सीखा है? उसने भी वहीं से सीखा है, वो भी माइक के पास जाकर के यही करता है. अब रोहित शर्मा अगर फुटवर्क इस्तेमाल नहीं करेगा ना, क्रीज से तो थोड़ा सा बाहर नहीं खड़ा होगा, थोड़ा सा पैर नहीं चलाएगा, तो यही प्रॉब्लम रहेगी. पहली बात तो अपने मेंटली इतना ब्लॉक कर लिया अपने आप को कि मेरी फटती है लेफ्ट आर्मर से और मेरी फटेगी और ये मेरी लेके चला जाएगा तो कुछ नहीं होगा. जब आप चढ़ोगे उसके ऊपर, जैसे कि लास्ट टाइम सही बड़ा एक फनी मैसेज मैं बताती हूँ थोड़ा सा माहौल ठंडा करने के लिए. विकी कह रहे हैं हार्दिक को जलील करने के चक्कर में रोहित और सूर्या ने खुद की जीभ मरा दी. देखिए मैं तो इस बात पे विश्वास नहीं कर रही थी विकी, लेकिन क्रिश तो शुरू से ही बोल रहा था कि नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, आप देख लेना कोई मैच नहीं जिताएंगे, जीतने ही नहीं देंगे. लेकिन मैं इस चीज पे विश्वास नहीं कर रही थी, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने प्रोफेशनल प्लेयर्स है, इतना पैसा ले रहे हैं, इतने सालों से मुंबई के लिए खेल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता. बट अल्टीमेटली देखा जाए तो आज उनका हनीमून चल रहा है आरसीबी के साथ, दोनों जो है नीचे 9 और 10 में मजे लूट रहे हैं, तो भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ही. कुछ नहीं, दाल में काला नहीं, दाल काली पूरी की पूरी दाल काली है. मैं तो पहले से ही बोल रहा था क्योंकि मैंने देखो, मैंने खेलने के तरीके देखे इन बैट्समैनों के. भाई बहुत अच्छा शॉट मार दिया इसने, गायलू रोसो ने जंप करके 6 मार दिया. बहुत तरीके से मैंने बारीकी से खेल देखता हूं मैं, ऐसा नहीं मैं ऐसे ही हवा में बोल देता हूं. जिन बॉलों पे वो आउट हो रहे थे ना, उन बॉलों पे छक्के मारते हैं, चौके मारते हैं,
धागे उधेड़ देते बॉलर्स के और बैट्समैन के कैप्टन के, लेकिन यहाँ कैच प्रैक्टिस नहीं खत्म होती थी। और यही यही चीज मैं आपको बता दूं, टीम इंडिया की जर्सी पहने सूर्य कुमार यादव, मैं कह रहा हूं खाल ऐसी उधेड़ेगा कोई भी टीम हो पाकिस्तान को छोड़ करके, इतने गंदे गंदे मार देगा ना, सब तालियां बजाएंगे, तालियां भाई हम भी बजाएंगे, हमें चाहिए। लेकिन बस मेरा एक सवाल है, अगर वो मुंबई हार्दिक वर्सेस रोहित छोड़ दो, आ मुंबई अरे हार्दिक वर्सेस वो तो छोड़ो, हार्दिक वर्सेस तिलक चल रहा है, डिश चल रहा है, आपको पता है इसके बारे में कि नहीं पता है? नहीं, लास्ट में मुझे मैंने इंटरव्यू तो सुना था जब उसने तिलक वर्मा के ऊपर ब्लेम डाल दिया था जिसने 50 प्लस, तो भाई लड़ाई होगी तेज वाली, ठीक है, मैच कल के मैच नहीं, कल के पहले से वाले मैच में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा दोनों के बीच में हो गई रोहित शर्मा को बीच में सुपर हीरो जैसे एंट्री मार के दोनों की फाइट सुलझानी पड़ी, हार्दिक पांड्या फुल ब्लेम करते हुए तिलक वर्मा को, तिलक वर्मा जी फुल उनको वापस फाइट देते हुए, एंड बीच में जो है मैनेजमेंट को बीच में कूदना पड़ा, रोहित शर्मा को बीच में कूदना पड़ा, और फिर वो लड़ाई जो है सुलझाई गई। यार इसमें देखो शिवानी किसको गलत बोलूंगा, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि तिलक वर्मा गलत है, नहीं, तिलक वर्मा अपनी जगह सही है, जो बंदा एक लोता बंदा वैसे ही खेल रहा जैसे रोहित शर्मा की कैप्टनसी में खेल रहा था, या मुंबई इंडियंस के लिए जैसे भी खेल रहा था, कोई भी कैप्टन हो मैटर नहीं करता, आज भी कोई कैप्टन है मैटर नहीं करता, वो अपना खेल टीम को जिताने के लिए खेल रहा है। अब हार्दिक आप समझे नहीं, उसने 50 रन किए, फिर उसने वो सेलिब्रेशन की जो रोहित शर्मा की डॉटर के साथ, उसकी काफी बॉन्डिंग है रोहित शर्मा की डॉटर के साथ, वो हमेशा उसके लिए ये सेलिब्रेशन करता है, वो देख के रोहित डगआउट में बैठ के बड़ा खुश हो गया, ऐसे ऐसे करके हंस के तालियां बजा रहा था, ये चीज से चिड़िया पांड्या कि भाई तू 50 बना के रोहित शर्मा की डॉटर को क्यों एट्रीब्यूट कर रहा है, तेरा उससे क्या मतलब है, ये सारी गड़बड़ हो गई बस। अब शिवानी आप एक बात बताओ, उसने सेलिब्रेशन की, रन किसके लिए बनाए, मुंबई इंडियंस के लिए, कैप्टन कौन है हार्दिक पांड्या, फायदा किसको मिला, मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या को। अब वो सेलिब्रेशन रोहित के बच्चे के लिए बनाए, उसकी बीवी के लिए बनाए, अपनी घर वालों के लिए बनाए, या रोहित के लिए बनाए, विराट कोहली के लिए बनाए, सेलिब्रेशन तो कोई किसी को भी दे सकता है ना, वो उसका अपना अपनी चॉइस होती है। अब इसमें हार्दिक की जी जलने का मेरा लॉजिक नहीं है यार, तुम्हारी दोनों की आपस की खटपट चल रही है, चलने दो, तीसरे बंदे को बीच में डालने की क्या जरूरत है, उसको ऊपर ब्लेम डाल देते हो, भाई तूने तो 24 करके चला गया था 20 बॉल पे, उसमें तूने ब्लेम ले लिया होता अपने ऊपर तो तू बोल देता तिलक वर्मा के ऊपर भी, तिलक वर्मा सह जाता, लेकिन तू अपनी गलती तो मान नहीं रहा है, और जो अच्छा खेल रहा है उसके ऊपर तू बोम फोड़ रहा है, तो थोड़ी ना सुनेगा कोई। जी बिल्कुल, चलिए सांगनी कह रहे हैं कि केएल राहुल स्कोर टोटल ऑफ 128 रन्स व्हाइल रोहित 89 इन द लास्ट वर्ल्ड कप, चलिए एक तो गया, टाटा बाय बाय हो गया, ज्यादा रन स्कोर बनाने वाला टाटा बाय बाय हो गया, स्ट्राइक रेट 120 प्लस केएल राहुल, स्ट्राइक रेट रोहित शर्मा 108, तो भाई मेरे केएल राहुल के पीछे पड़े रहते थे, बताओ मेरे केएल राहुल तो प्रीमियम मच 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 बेटर है, मच नहीं है, हल्का सा बेटर है, हल्का सा बेटर है, स्टार्ट की कंपैरिजन तो मच बेटर है यार सांगने क्या तो फिर क्या बातें करते हो, चलिए आपके स्टार्ट हो गए, ठीक ही हो गए, तो भाई मैं ऐसे करती हूँ, मैं थोड़े से समीर के स्टार्ट्स वाले मैसेजेस ले लेती हूँ, वो ज्यादा बहुत ज्यादा बोल ड्राइवर उसको बोल फुल टॉस बोल में बोल हो गया, जहां तक मुझे लग रहा है एकदम लॉर्ड शार्दुल ठाकुर अपना लोड पीछे से आगे ट्रांसफर करते हुए, और वो बॉल इतनी तेज निकल गई उसको दिखी नहीं, 48/50 प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट ये जिस तरीके से विकेट बार बार गवाने की इनकी आदत है ना, वहां प्रॉब्लम आ सकती है। देखो एक बार शिवानी आप सामने देखो, आपको मजा आएगा इस बॉल पे, क्योंकि आपका फेवरेट शार्दुल ठाकुर ने विकेट निकाली है। ओ गॉड, ये भागता हुआ स्पिनर, भारी में डिक्की वाला, क्या बोलते हैं उसको, भारी डिक्की I like it. भारी डिग्गी वाला भाई, मैंने कभी ऐसा बोला नहीं है, मेरा सेंस यही था, लेकिन इतने स्पष्ट शब्दों में मैंने कभी नहीं बोला है, बोलते तो भाई भाव साहब जी आपका वेलकम है, भाव साहब जी, सुशांत जी आपके बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं सारे लूंगी, आप मेरे को डांटना मत, आप थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, हम धीरे धीरे ऊपर नीचे करके, समीर के भी मैसेजेस हैं, आपके भी बहुत है, हम धीरे धीरे लेंगे। सो भाई भाव साहब जी कह रहे हैं अब चाहे कितनी भी स्टैट्स निकाल लो,
किसी के नाम पे भी जस्टिस मान लो, टीम तो बन गई 11 भी फिक्स्ड है, हमें सपोर्ट करना चाहिए, हम ना सपोर्ट करें तो फिर क्या पाकिस्तान को सपोर्ट करें। वाओ साहब जी ये तो बात है, देखिए लेकिन अभी भी टाइम है भाई, कुछ इन पे अक्कल आ जाए तो 25 मई तक ये रिंकू सिंह को अंदर कर सकते हैं। यही एक मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। हमारा मकसद किसी को लेट डाउन करना थोड़ी ना होता है, नहीं होता है। हमारा मकसद किसी गलत चीज को सही करवाना होता है, और वो गलत क्या है, रिंकू सिंह के साथ हुआ है। एक बंदे को गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, अच्छा खेल खेलता है, ठीक है, अच्छी फील्डिंग करता है, मुझे तो मैं तो कंपैरिजन विराट से भी बेस्ट फील्डर बोलूंगा उसको, जिस तरीके से उसकी फील्डिंग होती है, कैच रिंकू सिंह एक जहां कैच बाउंड्री में स्वीपिंग करता है जैसे विराट खड़ा है, अगर विराट एक साइड पे खड़ा है हमें पता है कि कोई वहां मिसफील्ड नहीं होगी, कैच ड्रॉप नहीं होंगे, कोई जो चौके जा रहे हैं रुक जाएंगे। दूसरी तरफ रिंकू सिंह खड़ा होता है, दूसरी बाउंड्री प्रोटेक्टेड रहती है, दोनों साइड की बाउंड्रीज जो होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है इन दोनों के कवर उसमें। और आप उसको 15 के स्कोर में नहीं डालते, या 15 के स्कोर में रखते हैं तो कम से कम चलो खिलाते नहीं, फील्डिंग ले आते, मैं वही कह रहा हूँ खिलाते नहीं, फील्डिंग ले आते उसको, खिलाते नहीं फील्डिंग ले आते, कहीं तो फायदा उठा लेते ना। और आपको लगता कि अच्छा बंदा खेल रहा है प्रैक्टिस में नेट्स पे तो आप प्लेइंग 11 में डाल सकते थे। अब तो यही है कि किसी को स्पैजम कुछ इंजरी करके ला सकते हो, ले जब ले आओगे तो तब भी फायदा है, अगर ईगो पे रहे ना तो टाइटल फिर से हाथ से जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई ने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, सेमी तक पहुंचने का तो दे दिया है मेरे हिसाब से, लेकिन उसके आगे क्या। जी तो विकी जी आप सही कह रहे हैं, मैंने वो वीडियो देखी थी उनकी फादर की, तो कह रहे थे हम मिठाई और पटाखे ले आए थे लेकिन वो उसका नाम नहीं आया, फिर उसने अपनी मदर को फोन करके बोला रिंकू सिंह ने कि मैं 11 में तो नहीं हूँ लेकिन 15 में नहीं मेरा नाम है लेकिन मैं फिर भी जा रहा हूँ, तो वो काफी दुखी था, डिसअपॉइंटेड था। शाहरुख खान उनको पूरी सपोर्ट दे रहे हैं, शाहरुख खान के साथ एक वीडियो आई थी उनकी, एयरपोर्ट से वो कहीं जा रहे थे तो शाहरुख खान अपने बंदे के साथ खड़े हुए। शाहरुख खान बड़े दिल के इंसान है एंड किसी को वो सपोर्ट दिल से सपोर्ट करेंगे, एंड रिंकू सिंह कल उनके साथ वीडियो आई थी एंड आई एम श्योर शाहरुख खान उनको अच्छा गाइड करेंगे कि सेटबैक्स को किस तरीके से अपनी मतलब उसको क्या इसको पॉजिटिविटी में कैसे चेंज करना, अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनानी है अगर कोई सेटबैक हो जाए, समय में सबर कैसे करना है और सबर का अच्छा फल कैसे मिलता है वो शाहरुख खान सिखाएंगे, क्योंकि शाहरुख खान ने वो समय देखा है अपने जीवन में और बहुत से लोगों के जीवन में, और वो उनको बैक करेंगे। और शाहरुख खान की बहुत अच्छी बात है, वो किसी भी इंसान को बैक करते हैं तो पूरा बैक करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए कभी नहीं छोड़ते। और रिंकू सिंह को अगर उन्होंने बैक किया है तो रिंकू सिंह उभरते हुए आएंगे और वापस आएंगे। देखो कर्मा होता है, माँ की ममता होती है, लबु शैन की माँ की ममता जगी थी ना बीच में, तो हमारे इंडियंस की भी माँ की ममता जगती है और जगेगी। जी बिल्कुल, तो भाई ही जी आ गए हैं, वो कह रहे हैं रिंकू इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स इन द स्क्वाड लीविंग वन और टू, रिंकू बी लाइक इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। जी बिल्कुल, आज इयन मॉर्गन थे आई थिंक, उनका मैंने ट्वीट देखा था, उन्होंने वीडियो भी डाली थी कि इसमें इंडिया का लॉस नहीं है, मतलब रिंकू का लॉस नहीं है, इसमें इंडिया का लॉस है, और ये बात मेरे को अच्छी लगी, मैंने रीट्वीट भी की उस चीज को, दैट भाई बाहर वाले लोग कह रहे हैं रिंकू का लॉस नहीं है इंडिया का है, ये बात बिल्कुल बिल्कुल सच है, आपकी बात बिल्कुल सच है। तो समीर जी मॉर्गन जो वर्ल्ड कप जितवाता अपनी टीम को, इतना रीड करता है, इतना शार्प माइंड है, अगर वो इस चीज को समझ रहा है, जो हम तो बात कर रहे हैं, हम तो चलो नहीं मानते अपने आप को बड़ा, लेकिन वो इतना बड़ा इंसान बोल रहा है तो मतलब ये बात कहीं जेन्युइन है, रिंकू सिंह अंदर होना चाहिए था। जी तो शिवम डुबेज आईपीएल विकेट समीर जी बता रहे हैं, प्रियम गर्ग, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ग्लेन मैक्सवेल एंड आज जॉनी बेयरस्टो, तो भाई बड़े बड़े विकेट लिए अच्छी बात है, बट 45 बॉल्स 46 रन्स, मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ इसमें टेंशन का माहौल है, आई थिंक पंजाब आराम आराम से चेज करेगी। थाला धोनी अपना कुछ करते हुए पीछे जो है आशुतोष पूरा रिलैक्स बैठे, च्विंगम चबा रहे, आने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो देखा जाएगा क्या होगा। एंड समीर बता रहे हैं कि फर्स्ट में इज द ओनली डे इन द ईयर वेयर सचिन तेंदुलकर हैज नॉट प्लेड एनी इंटरनेशनल मैच इन हिज 24 इयर्स करियर, तो भाई बहुत बड़ी बात है, फर्स्ट में लेबर्स डे होता है, लेबर्स डे मतलब जो मजदूरों का दिन होता है एंड उसमें छुट्टी होती है जनरली, काफी जगह जो है छुट्टी होती है, एंड पहली बात तो लेबर्स डे की सबको शुभकामनाएं, सबको बेस्ट विशेस। दूसरी चीज बड़ा ही अच्छा ये स्टैट है समीर जी, थैंक यू एज यूजुअल, आपके बेस्ट स्टैट्स होते हैं एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन भी होती है, थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। सो ही जी कह रहे हैं दीदी ऋषभ हार्दिक जड्डू आर फिनिशर्स,
योर पॉइंट ऑफ व्यू जी. ऋषभ, हार्दिक एंड जड्डू, देखिए हार्दिक एंड जडेजा एट वन पॉइंट अच्छी फिनिशिंग करते थे, आजकल ना फॉर्म चल रही है, ना टेम्परमेंट है, ना फोकस उतना दिख रहा है. अब पॉजिटिव ये चीज है कि भाई वर्ल्ड कप आएगा, जर्सी चेंज होगी, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल सकते हैं. ऋषभ पंत से फिर भी मुझे हमेशा ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं. अभी जो आईपीएल में टॉप 5 स्कोरर्स में उनका नाम है, अग्रेसिवली खेल रहे हैं, पॉजिटिवली खेल रहे हैं, अच्छे से खेल रहे हैं. मुझे ऋषभ पंत तो ठीक लग रहे हैं, बट हार्दिक एंड जडेजा पे मुझे सिवियर डाउट्स हैं. पता नहीं उनका माइंडसेट कैसे चल रहा है, क्या वो इंडिया को जिताना भी चाहते हैं नहीं चाहते हैं, मुझे बहुत ज्यादा इस चीज की यू नो डाउट है. यार देखो, एक बहुत बहुत अच्छा उदाहरण दे देता हूँ, आप शायद समझ जाओ. महेंद्र सिंह धोनी बेस्ट फिनिशर इन दी वर्ल्ड बोला जाता है, अब इस एज में उनसे फिनिश नहीं हो रहा है, वो 4-5 बॉल से ज्यादा नहीं खेल पा रहे हैं, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या, साइंस कहीं ना कहीं मैटर करती है. जब खिलाड़ी की एज ऊपर जाती है तो उसका खेल बदल जाता है, पहले वाला खेल नहीं रहता. तो हार्दिक अब जवान नहीं रहे, जडेजा आप जवान नहीं रहे, फिट है, फिट होना अलग है, टेक्निकली चीज अलग है, पावर वो एक अलग है. अब यंगस्टर में वो पावर है, रिंकू सिंह में वो आग है, ऋषभ पंत में वो आग है फिनिश करने की, शिवम दुबे में भी है, लेकिन हार्दिक और जडेजा अब वो पावर हिटिंग वाले फिनिशर नहीं रहे, ये सच्चाई है. मान लो कुछ गेम ये इक्के टुक्के टुक्के में कर भी सकते हैं फिनिश, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आपको परफेक्ट सिचुएशन, जैसे शिवानी ने मेरे आने से बोला था, पहले बोला था, ऐसी सिचुएशन आएगी जहां आपको 3 ओवर में 45, 50 रन, 60 रन ऐसे चाहिएंगे, तो वहां पे आपके पास उम्मीद, रिंकू सिंह खड़े हैं तो है, शिवम दुबे खड़े हैं तो है, लेकिन जडेजा और हार्दिक खड़े तो नहीं है. जी मैंने वही कहा कि लास्ट 3 ओवर्स में 35-40 चेज करने हो तो यू नीड रिंकू सिंह देयर, यू डोंट यू नो नीड अदर पीपल. तो भाई समीर जी कह रहे, समीर जी मैं मैसेजेस लूंगी, मैं ऊपर के मैसेजेस में आ रही हूँ, नीचे के मैसेजेस मैं अभी थोड़ी देर बाद दूंगी, ऊपर के जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस है वही हम लेंगे. इंडियन बैटर्स फॉर्म आफ्टर स्पोर्ट्स सिलेक्शन हमने डिस्कस किया था, रोहित 4, स्काई 10, हार्दिक 0, डुबे 0, जडेजा 2, कुछ तो गड़बड़ है शिवानी. समीर जी कह रहे जी, समीर जी इसको मेरे जो लैंग्वेज में मैं जो कंफर्टेबल हूँ, इंग्लिश में मैं कंफर्टेबल हूँ, इसको कंप्लेसेंसी कहते हैं. कंप्लेसेंसी मतलब कोई चीज जब आपकी बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं या उसकी आप ट्राई कर रहे हैं, वो आपको मिल जाती है तो थोड़े आप ढीले पड़ जाते हैं. बेसिकली कंप्लेसेंसी का मतलब है ढीले पड़ना. तो मुझे ऐसा लग रहा है कल के बाद